एक इंटरेस्टिंग न्यूज आई है उस पर नजर डालते हैं। दरअसल ईरान ने बिना कोई वजह बताए भारत से चावल और चाय का जो इम्पोर्ट है उसके सौदे रोक दिए हैं। अब क्या दिक्कत है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, तो चाय और चावल लेके हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी अरमान नाहर। अरमान, क्या हुआ, चाय चावल दोनों बंद? बिल्कुल, उन्होंने मना कर दिया, बोले अब कोई भी नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो वो सारे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेंगे। टेस्ट पसंद नहीं आया कि कोई और रीजन? रीजन तो उन्होंने क्लियरिफाई नहीं करा है, पर हाँ, ये चीज क्लियर है कि उन्होंने पिछले हफ्ते से उन्होंने ये चीज बोल दी कि ईरान जो भी नए कॉन्ट्रैक्ट जो भी हो रहे हैं वो पूरी तरीके से बंद कर दिए हैं। अब ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि अब ईरान की जो ये इंपॉर्टेंस है हमारे हिसाब से, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, बोले चाय मान लीजिए या राइस लीजिए, कितनी इंपॉर्टेंट है। राइस के हिसाब से अगर आप देखें तो अगर आप अप्रैल से सितंबर में अगर आप देखेंगे, अप्रैल से सितंबर 2022 की अगर आप बात करेंगे, लगभग 4,750 करोड़ का जो है हमने जो है बासमती राइस जो है वो ईरान को एक्सपोर्ट किया है। उस हिसाब से अगर ओवरऑल अगर आप देखेंगे, ओवरऑल हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं उसका लगभग 27% जो है हम केवल सिर्फ ईरान को एक्सपोर्ट करते हैं। और अगर मैं वायोवाई कंपेरिजन करूं, मतलब उस समय से कि अप्रैल से सितंबर जो हमारा 2021 में था, वहां से लगभग 96% की बढ़ोतरी हो चुकी। तो एक तो ईरान को हम बासमती राइस काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, कुल एक्सपोर्ट जो करते हैं उसका 26% एक्सपोर्ट करते हैं, और पिछले बार के कंपैरिजन में तो लगभग जो है दोगुना होता हुआ दिखा है। अब ये तो राइस कंपनीज के लिए अगर आप देख लें, केआरबीएल, चमनलाल सिटी, आईएलटी फूड्स, इन कंपनियों के लिए तो नेगेटिव है ही सही। अब उसी के साथ साथ चाय पे अगर आते हैं तो चाय पर भी जो ईरान का जो मार्केट है वो काफी बड़ा मार्केट है। जनवरी से सितंबर की अगर मैं बात करूं तो लगभग 515 करोड़ का जो है हमने एक्सपोर्ट किया था, और जो कि ओवरऑल जितना हमने एक्सपोर्ट करा है, टोटल जितना एक्सपोर्ट करते हैं उसका लगभग 11% जो है हम ईरान को है एक्सपोर्ट करते हैं। और अगर पिछली बार के कंपैरिजन किया जाए तो 480 करोड़ से वो बढ़के 515 करोड़ पे हुआ था। तो धनसेरा टी, जयश्री टी और जॉयसी टी स्टॉक से वहां पर आपको दबाव आता हुआ दिखा। तो इन स्टॉक्स पे आपको नजर रखनी है क्योंकि ईरान की तरफ से जो एक्सपोर्ट से बेसिकली वो जो इंपोर्ट करते हैं उसको फिलहाल इन्होंने बंद कर दिया है। शुक्रिया अरमान इस पूरे अपडेट के लिए।